हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 और 7 की जो कार्य पुस्तिका है उसका आकलन नंबर फर्स्ट, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर और 32 तक के जो कार्य पत्रक है उनका वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, नीचे दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। 4938 दिया गया है इसका विस्तारित रूप, तो 4000 आ जाएगा पहले, तो उसके बाद 900 आ जाएगा, उसके बाद 30 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर ये संख्या आपको विस्तारित रूप करके दी गई है, तो इसको आपको ऐड करके लिखना है, जोड़ के लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 9409। यहाँ पर देखिए, 800, 7005, 00, ढाई के जगह जीरो इकाई पर 5 है, हजार पर 7 है और सैकड़े पर 8 है, तो 7805 आ जाएगा। ऐसे इसको लिखना 7638 है, तो यहाँ पर तो हम 7000 लिख देंगे। 30 भी लिखा हुआ है, 600 भी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसमें देखिए हम 8765, इकाई क्या है, 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, सैकड़ा 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे, ढाई 6 है तो 6 लिख देंगे, और हजार क्या है, 8 है, तो 8 लिख देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम कंप्लीट करेंगे। दूसरा देखिए, संख्या रेखा पर दर्शाए या दर्शाई की संख्या लिखें। पहला है यहाँ पर 470, तो 470 आपको दिखाना कहाँ पर आएगा, देखिए तो 400 से आगे आएगा, 450 से आगे आएगा, तो 450 और ये 500, इनके बीच में आएगा 470, तो ये 460, ये 470, ये 480, ये 490, ये 500, तो ये हो जाएगा आपका 470। अगला है यहाँ पर आपको बतानी है कि इस बॉक्स में क्या संख्या आएगी। देखिए 0, 50, 100, 150, अब 150 और 200 के बीच में क्या आता है, 175 आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 175। अब 140 है यहाँ पर, तो 140 बताना है, तो 0, ये 100 और ये 200, 100 और 200 के बीच में देखिए 5 भाग दिए गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें 20 20 के अंतर से लिखना है, तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगी 140, ये 160, ये 180, तो इस तरीके से हमें ये संख्या लिख देनी है। इसके अंदर देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा आपको दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखो। तीसरा प्रश्न, नीचे की दी गई संख्याओं को अंकों में लिखो। 5770, तो 5770, 4094, तो 4094, 7155 ऐसे लिखेंगे, 6399 ऐसे लिख देंगे। खाली स्थान में संख्या भरें, तो 3000 और यहाँ पर लिखा हुआ है 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 3560, ये 7009 है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। इतना यहाँ पर दिया गया 5400 है, तो 5400 आ जाएगा, और ये 2063 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2863 ऐसे लिखना आपको। अगला, दी गई अंक कार्ड की मदद से संख्या बनाई, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर देखिए 3, 6, 2 और 9 दिया गया, तो 9, 3, 6 और 2, 3, 6 और 9, और ये हो जाएगा 9, 6, 3, 2, ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। यहाँ पर 1, 2, 0, 4 लिखा हुआ, छोटी क्या बनेगी, 1, 0, 2, 4, और बड़ी बन जाएगी 4, 2, 1, 0। तो आपको दिया गया यहाँ पर 3, 5, 9, 2, तो सबसे छोटी संख्या बनेगी 2, 3, 5 और 9, और बड़ी बन जाएगी 9, 5, 3, 2, 9, 5, 32। आगे है 8, 6, 0, 5 है, तो यहाँ पर आएगा 5, 0, 6, 8, और ये हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी 8650। तो इस तरीके से आकलन फर्स्ट वो कंप्लीट हम कर लेंगे। इसके बाद में आगे वाले जो कार्य पत्रक है नंबर 33, 34, 35 और 36, इन चारों कार्य पत्रक को हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।